दुनिया के सातवें अजूबे ताजमहल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने कमाई का जरिया बना रखा है। बीते 3 साल में ASI को ताजमहल के टिकटों की बिक्री से 91 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि ताज के संरक्षण पर इन्हीं 3 सालों में केवल 9.41 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम से मिली जानकारी के मुताबिक यूनेस्को की विश्व विरासत ताजमहल से साल 2020-21 से साल 2023-24 के बीच 91.23 करोड़ रुपए की कमाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को हुई है। पूरे देश में टिकटों से इतनी कमाई किसी अन्य विश्व धरोहर या स्मारक से ASI को नहीं होती है। ताजमहल के संरक्षण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ASI के खर्च के आंकड़े ही संरक्षण की पोल खोल रहे हैं। कोविड से पहले जहां ASI ने ताजमहल पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वहीं कोविड के बाद खर्च सिर्फ 9 करोड़ रुपए ही हो पाए हैं। कोविड के बाद ताज पर सैलानियों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है और लगभग 2 गुने सैलानी ताज पर पहुंचने लगे हैं। ताजमहल के संरक्षण की पोल 2 महीने पहले मुख्य गुम्बद पर उगे पौधे ने खोल दी थी। केवल गुम्बद नहीं बल्कि रॉयल गेट, शाही मस्जिद, मेहमान खाना, फोर कोर्ट के दालान और चमेली फर्श के पास की चारों छतरियों के पत्थरों के दरकने के फोटो सोशल मीडिया पर पूरे साल छाए रहे। रॉयल गेट पर पच्चीकारी के पत्थर निकल गए तो ताज की यमुना किनारे की दीवारों पर कीड़ों के दागों ने छवि पर दाग लगा दिए। ASI के महानिदेशक ने इन सवालों के जवाब दिए, लेकिन संरक्षण पर कमाई के मुकाबले सिर्फ 10% का खर्च पूरी हकीकत बयां कर रहा है। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक कोविड से 3 साल पहले ताजमहल से कमाई 34.27 करोड़ रुपए की हुई थी, जबकि संरक्षण पर खर्च 12.37 करोड़ रुपए का था। कोविड के पहले खर्च और कमाई के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। कोविड के बाद ASI ने कमाई के मुकाबले केवल 10% ही संरक्षण पर खर्च किया है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौहान ने बताया कि ताज आने वाले सैलानियों का अनुभव अच्छा नहीं है। लंबी कतार, पानी की परेशानी, शू कवर और टिकटों की मारामारी, जितनी ताज से कमाई हो रही है उसके मुकाबले व्यवस्थाओं पर भी खर्च होना चाहिए। सैलानी कम से कम छवि तो अच्छी लेकर जाएं। आगरा टूरिस्ट वेलफेयर चैम्बर के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल बताते हैं कि ताजमहल के संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है। सैलानियों की सुविधाओं पर भी खर्च किया जा सकता है। व्हील चेयर की संख्या बढ़ाई जाए और म्यूजियम को आकर्षक बनाया जाए, जिससे ताज में भीड़ भी एक जगह एकत्र ना हो। तो इस तरह से ताज के रखरखाव को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह की आमदनी ताज से है, उतना ज्यादा खर्च ताज पर नहीं हो रहा है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।